अब ये एक और उस पे आए हैं, ये कह रहे हैं हम तो 370 जीत रहे हैं, 370 जीत रहे हैं, ये नया अब है, अगले 5 साल में ये चलेगा, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अब हमें इस देश के 140 करोड़ लोगों की जरूरत नहीं है, अब तुम्हारे वोट की जरूरत नहीं है, घर बैठो वोट डालने आओ तो डालना, नहीं डालने आओ तो मत डालना, हमें तो 370 मिल रहे हैं क्योंकि सामने लड़ने वाला ही कोई नहीं बचा। थोड़े दिन के अंदर सारा विपक्ष, हिटलर ने भी यही किया था, जब हिटलर आया था हिटलर ने 3 महीने में कर दिया, इन्होंने 10 साल लगा दिए। तो अब इनका ये कहना है कि हमें किसी की जरूरत नहीं है, तो ये जनतंत्र खत्म कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, ये देश के साथ गद्दारी है, ये देशद्रोह है। अगर इस देश के संदर्भ जनतंत्र खत्म कर दिया जाए, मैं मन में सोच रहा था आज अगर श्री राम होते, अगर श्री रामचंद्र जी आज इस युग के अंदर होते तो ईडी और सीबीआई को उनके घर भी भेज देते और यहां बंदूक रख के पूछते बेचारा बीजेपी में आ रहा है कि जेल जाएगा। और अब ये आम आदमी पार्टी को तोड़ने में लगे हुए हैं, आम आदमी पार्टी को क्रश करना चाहते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी भविष्य में इनको चैलेंज कर सकती है, देश के अंदर चैलेंज कर सकती है, अलग अलग राज्यों के अंदर चैलेंज कर सकती है, सबसे तेजी से बढ़ने वाली पार्टी है और इनके काबू नहीं आ रहे आम आदमी पार्टी वाले। इन्होंने मनीष सिसोदिया जी को जेल में डाल दिया, इन्होंने सत्येंद्र जैन जी को जेल में डाल दिया, इन्होंने संजय सिंह को जेल में डाल दिया, अब ये मुझे जेल में डालने की तैयारी कर रहे हैं। पूरा चारा केजरीवाल को जेल में डालेंगे, केजरीवाल पूरी प्लानिंग कर रखी है। मैं बीजेपी वाले से बात कर रहा था, बीजेपी में कई दोस्त हैं, अच्छे लोग भी हैं बीजेपी में, सारे खराब नहीं हैं। तो बीजेपी वाले से बात कर रहा था, वो बोली जी पूरी प्लानिंग है, आपको जेल में डालेंगे, आपकी सरकार गिराएंगे, सरकार गिराने के बाद सबसे पहला काम करेंगे ये जो बिजली फ्री कर रखी है ना, इसको बंद करेंगे दिल्ली के अंदर। मैंने कहा क्यों, ऐसा क्यों करोगे? बोले पूरे देश में तकलीफ हो रही है, किसी भी बीजेपी के राज्य में बिजली मुफ्त नहीं है, आपने दिल्ली में कर दी या पंजाब में कर दी, जहां जाओगे आप बिजली मुफ्त का दावा करते हो, हम तो नहीं कर सकते, हम तो पैसे खाते हैं, इतना बजट कहां से आएगा भाई, पैसे भी खा ले और बिजली भी मुफ्त कर दे, दोनों तो नहीं हो सकते। तो बिजली मुफ्त को सबसे पहले बिजली मुफ्त खत्म करेंगे, फिर ये तुम्हारे स्कूल खराब करेंगे, ये जो तुमने स्कूल बने, बोला हमसे तो होते नहीं है, दूसरे बीजेपी ना गुजरात में कर सके, ना मध्य प्रदेश में कर सके, ना राजस्थान में, हमसे तो होते नहीं है। फिर स्कूल खराब करेंगे, फिर मोहल्ला क्लिनिक बंद करेंगे और फिर अस्पताल बंद करेंगे, पूरी प्लानिंग कर रखी है बीजेपी वालों ने, केजरीवाल को गिरफ्तार करेंगे और उसके बाद दिल्ली को बर्बाद करेंगे।